असम्बलियाँ दिसंबर में ही तहलील होंगी। 20 दिसंबर से कबल असम्बली तहलील की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। पीडीएम हुकूमत ने मुल्की मैशियत तबाह कर दी। मुस्लिम लीग काफ असम्बली की तहलील के मामले पर एक पेज पर है। इमरान खान की साहिवाल और मियांवाली अरकान असम्बली से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तमाम सूबाई अरकान ने असम्बली के तहलील के फैसले की तौसीक कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर हमले की तहकीकात। सरबरा लाहौर पुलिस का तीनों मुलजिमान का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने का फैसला। मुलजिमान बार बार अपने बयान तब्दील कर रहे हैं, जिसके बायस पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने का फैसला किया गया। मुस्लिम लीग नून ने कायद नवाज शरीफ का जनवरी में वापसी का इम्कान। पहले मरहले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत ली जाएगी। पार्टी की सीनियर क्यादत का नवाज शरीफ को लाहौर के बजाय इस्लामाबाद लैंड करने का मशवरा। नवाज शरीफ की वापसी से कबल बिजली की कीमतें और पेट्रोल सस्ता करने की हिदायत। इसहाक डार ने पेट्रोल और बिजली की कीमतों में रिलीफ पर काम शुरू कर दिया। पीटीआई का लिबर्टी चौक में सियासी पावर शो का फैसला। इमरान खान जमान पार्क से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। असम्बलियों की तहलील की हतमी तारीख का ऐलान लिबर्टी चौक से किया जाएगा। इमरान खान की जेर सदारत पीटीआई पंजाब की क्यादत का इजलास। हुकूमत के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इलेक्शन पर मुज़ाकरात के अलावा किसी बात पर बैठने को तैयार नहीं। कौन सी असम्बली पहले तहलील करनी है, ये फैसला इमरान खान करेंगे। पार्टी के अंदर किसी किस्म के इख्लाफात नहीं। साबिक वजीर दिफा परवेज खट्टक की मीडिया से गुफ्तगू। नून लीग की तरह इंतकामी सियासत कभी नहीं की। हमारी सियासत का महवर आम आदमी के हालात में बेहतरी लाना है। इमरान खान का साथ दिया, दे रहे हैं और देते रहेंगे। वजीर आला पंजाब परवेज सिलाही की सूबाई वजीर मोहम्मद लतीफ नजर से मुलाकात में गुफ्तगू। लतीफ नजर ने वजीर आला पंजाब को महकमा मादनियात की कारकर्दगी बारे आगाह किया। तहरीके इंसाफ असम्बलियां तहलील करने का फैसला कर चुकी। असम्बलियों की तहलील के मामले पर हम सब एक पेज पर हैं। इलेक्शन से ही मुल्क में हैजानी कैफियत का खातिमा और सियासी और मौशी इस्तेकाम आएगा। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू। और शहबाज जरदारी हुकूमत ने मुल्क को कंगाल कर दिया। इंपोर्टेड हुकूमत मुल्क के लिए तबाही का बायस बन रही है। नए इंतखाबात तक मुल्की हालात जूम के तू रहेंगे। मुशीर दाखला पंजाब उमर सरफराज चीमा की विफाकी हुकूमत पर तनकीद। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं, पीडीएम इत्तेहाद असम्बली बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है।